अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम आपको हमारे यूट्यूब चैनल जी न्यूज जी में। दोस्तों आज 5 अप्रैल बरोज इतवार 2020 पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट से यानी कराची ज्वेलर एसोसिएशन में सोने की फी तोला और 10 ग्राम सोने की क्या कीमतें चल रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि मैं आपको पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट की ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कर सकूं। तो वीडियो की तफसील में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल जी न्यूज जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सोने के वार जारी हैं बार बार, पाकिस्तान में सोना बहुत ज्यादा महंगा हुआ मेरे यार। तो शादी का इरादा रखने वाले नौजवानों के लिए आज बहुत बुरी खबर, क्योंकि पाकिस्तान में सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह से ऊपर चला गया है। सोने की बढ़ती हुई कीमतों ने सोने के खरीदारों को परेशानी में मुबतला कर दिया है। लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तान में सोना एक बार फिर महंगा कर दिया गया, जबकि आज आलमी बिलियन मार्केट में भी सोने की फी औंस कीमत में $23, जबकि मुल्की सराफा मार्केटों में भी फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिलतरतीब 1,700 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,460 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जबकि मीडिया न्यूज के मुताबिक आलमी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $23 इजाफे से आलमी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $1,618 की सतह पर पहुंच गई, जिसके बाद मुल्की सराफा मार्केटों में भी फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में आज एक बार फिर इजाफा देखने में आया। कीमतों में इजाफे के नतीजे में कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और क्वेटा के सराफा मार्केटों में भी फी तोला सोने की कीमत में 1,700 रुपए इजाफा होने के बाद फी तोला सोने की कीमत 1,100 रुपए तक पहुंच गई और 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,460 रुपए इजाफा होने के बाद 10 ग्राम सोने की नई कीमत 86,600 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन आज पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत आज भी बगैर किसी इजाफे के 1,000 रुपए और 10 ग्राम चांदी की कीमत आज भी बगैर किसी इजाफे के 900 रुपए में फरोख्त हो रही है।